यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, भाग्य चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज 12 राशियों के क्या हाल है ये जान लेते हैं। मेष राशि की बात करते हैं, आज का दिन आनंद प्रद रहेगा ऐसा गणेश जी कहते हैं। अगर लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकेंगे, बौद्धिक कार्य करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, छोटे प्रवास की भी संभावना है। वृषभ राशि की बात करते हैं, वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, बैठक या चर्चा विचारणा में भी आपको सफलता मिलेगी, उच्च पदाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से आनंदित होंगे, गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपका मन अनिर्णायक स्थिति में हो सकता है, अधिक भावुकता भी मन को अस्वस्थ बना सकती है, माता के प्रति अधिक भावनात्मक रहेंगे, बौद्धिक चर्चा का प्रसंग उपस्थित हो सकता है लेकिन वाद विवाद को आज टाल दें। कर्क राशि की बात करते हैं, आज भाइयों से लाभ होगा, मित्रों के साथ हुई भेंट का और स्वजनों का सहवास का आनंद आप लूट सकेंगे, किसी सुंदर स्थल पर प्रवास की संभावना है, आज आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात करते हैं, परिजनों के साथ अच्छा वातावरण प्राप्त होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी, दूर स्थित व्यक्ति या संस्था के साथ संबंधों में दृढ़ता आएगी जो आगे चलकर लाभदायी रहेगी, अधिक खर्च से आज के दिन थोड़ा सा बचें और निर्धारित कार्य में अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि की बात करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छी तरह से आपका बीतने वाला है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न आप रहेंगे, लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी, मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी भेंट होगी, प्रवास भी आनंदप्रद रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं, क्रोध पर आज थोड़ा संयम रखें, संभव हो तो वाद विवाद से थोड़ा दूर रहे, परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की आशंका है, थोड़ा सा बचकर रहें, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आज थोड़ा ध्यान रखें, मानहानि ना हो इसका भी ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आज का दिन आपके लिए लाभदायी और शुभ फल प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, विवाहोत्सुकों के लिए विवाह का योग है, व्यवसायी क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा, उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से आज प्रसन्न होंगे। धनु राशि की बात करते हैं, आज आपका दिन शुभ है, परोपकार की भावना रहने से अन्य लोगों को सहायता मिलेगी, व्यापार में भी आपका आयोजन व्यवस्थित होगा, व्यापार के कारण बाहर कहीं प्रवास हो सकता है, ऊपरी अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन की थोड़ी संभावना है। मकर राशि की बात करते हैं, आज का दिन मध्यम फलदायी होगा, बौद्धिक तथा लेखन कार्य से जुड़ी हुई प्रवृत्ति में आप सक्रिय होंगे, मानसिक उद्वेग से आप प्रसन्न रह सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, आज आप निषेधात्मक कार्य तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहे, आपको मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है, क्रोध पर संयम रखें, किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों से दूर रहे, ध्यान और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं, गणेश जी कहते हैं कि आज के दिन मनोरंजन और आमोद प्रमोद में आप डूबे रहेंगे, व्यवसाय में साझेदारी के लिए उत्तम समय है, स्वजनों मित्रों के साथ पर्यटन का आनंद ले सकेंगे, दाम्पत्य जीवन में निकटता और मधुरता आएगी, समाज में ख्याति मिलेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।